सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाने जा रहे हैं चीकू आइसक्रीम, जिसके लिए मैंने चीकू लिए हैं। चीकू के छिलकों को उतारकर उसके बीज को निकाल के मैंने कट कर लिया है। आधी कटोरी मैंने शक्कर ली है, मेरे पास पाउडर शुगर थी तो मैंने उसको भी इसमें मिक्स कर लिया है। और ये मैंने कुछ चीकू के चंक्स लिए हैं, छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे आइसक्रीम में। अब सबसे पहले चीकू को और शक्कर को हम ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। ये मैंने मिल्क शेक बनाने वाला जार लिया है, आपको तेज़ मसाले वाला जार नहीं लेना है। इसमें हम हमारे सारे चीकू को डाल देंगे। जो हमने आधी कटोरी शक्कर ली थी उसे भी इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो शक्कर की जगह पे मिल्क मेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके चीकू ज़्यादा फीके हैं तो आप शक्कर और बढ़ा भी सकते हैं। इसको हमें ग्राइंड कर लेना है स्मूथ। अगर आपका चीकू ग्राइंड नहीं हो रहा है तो आप आधा कप दूध डालकर भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए, चीकू हमारे ग्राइंड हो चुके हैं, इसको हम साइड में कर देते हैं अभी। ये मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम ली है, 250 ग्राम क्रीम है ये, चिल्ड क्रीम ली है मैंने, बिल्कुल ठंडी क्रीम होनी चाहिए आपकी। इसको इलेक्ट्रिक बीटर से हम बीट कर लेंगे। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम है तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपकी आइसक्रीम का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा, बट मैं फ्रेश क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। एक मिनट के लिए लो स्पीड पर इसको बीट कर लेंगे हम। फिर एक मिनट के बाद 5 से 6 मिनट के लिए आपको स्पीड हाई रख के बीट करना है इसको। ये व्हिपिंग क्रीम नहीं है इसलिए ज़्यादा थिक नहीं होगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप मिक्सर में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए, 6 मिनट के लिए हमने इसको ग्राइंड कर लिया था, स्पीड को फास्ट रखा था हमने। बस ये इससे ज़्यादा थिक नहीं होगी, इतनी थिक क्रीम काफ़ी है हमारी आइसक्रीम बनाने के लिए। देख सकते हैं आप, अच्छी तरीके से थिक हो चुके हैं हमारी क्रीम। इसी तरह की क्रीम चाहिए हमें आइसक्रीम के लिए। अब जो हमने चीकू को ग्राइंड किया था उसको इसमें डाल देंगे। अब इलेक्ट्रिक बीटर से हम इसको मिक्स कर लेंगे, आप चाहे तो हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं इसको। इस टाइम पर आप शुगर चेक कर लीजिए, अगर कम लगेगी तो आप और इसमें ऐड भी कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से हमको मिला लेना है, आप स्पून की मदद से भी मिला सकते हैं या फिर मिक्सर जार में भी डालकर मिला सकते हैं। बहुत ही ईजी है चीकू की आइसक्रीम बनाना, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, हमने अच्छी तरह से इसको बीट कर लिया है, ये मिक्स हो चुके हैं। ये मैंने एयर टाइट कंटेनर ले लिया है, आपके पास जो भी एयर टाइट कंटेनर है आप वो ले सकते हैं। इसमें हम हमारी आइसक्रीम को डाल देंगे। अब जो हमने चीकू के चंक्स लिए थे उनको भी हम इसमें डाल देंगे। थोड़े मैं बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए। और इसको हमें मिक्स कर लेना है स्पैचुला से।
तो इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब जो मैंने चीकू बचाए थे उनको भी हम इस पर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें वरना स्किप कर दें, बट इसको डालने से हमारी आइसक्रीम का लुक थोड़ा अच्छा हो जाता है। इसको हम लीड से कवर कर देंगे। आप चाहे तो फॉइल पेपर लगाकर फिर इसको लीड से कवर कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट इसको लीड से कवर करके इसको रेफ्रिजरेटर में हम रख देंगे, फ्रीज़र में। ओवरनाइट के लिए मैं रख रही हूँ, आप चाहे तो 8 घंटों के लिए भी इसको रख सकते हैं। तो ओवरनाइट मैंने रख दिया था आइसक्रीम को फ्रीज़र में से निकालने के बाद। मैंने इसको 10 मिनट के लिए बाहर रख दिया था ताकि इसके किनारे लूज़ हो जाए। आप चाहे तो स्कूप से भी इसको निकाल कर सर्व कर सकते हैं, बट मैं इसको नाइफ से कट करने वाली हूँ। मैं इसको डिश में निकाल लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हमारी आइसक्रीम बनकर रेडी हो चुकी है, ईजीली निकल गई है और बहुत ही क्रीमी और स्मूथ टेक्सचर आया है हमारी आइसक्रीम का। इसको मैं नाइफ से कट कर लूँगी। कितनी ईजीली हमारी आइसक्रीम कट हो रही है आप देख सकते हो। आपको चीकू के चंक्स दिख रहे होंगे जो हमने इसमें डाले थे। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए आइसक्रीम को हमने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही टेस्टी और यमी चीकू की आइसक्रीम बनके हमारी रेडी हो चुकी है। इसमें जो हमने चीकू के चंक्स डाले थे उससे हमारी आइसक्रीम का लुक बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है हमारी आइसक्रीम। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपी को